Hello everyone, my name is Gini and you're watching a new video of Ladi Car Accessories, Karampura, New Delhi. हम हमेशा आपको कार की मॉडिफिकेशन के बारे में दिखाते हैं, क्या चीज लगा रहे हैं, क्या चीज नहीं लगा रहे हैं. तो आज सोचा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए. हमारी जितनी भी रनिंग कार्स हैं आज की डेट में, चाहे ग्रैंड विटारा होए, क्रेटा होए, फ्रॉन्क्स होए, बलिनो होए, ब्रेजा होए या और भी होए, इन सब कार्स के अंदर एक मेजर और सबसे एक रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है जो हम सब फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम है लो लाइट. इन कई कार्स के अंदर तो भी फॉग लैम्प का इन्होंने प्रोसीजर ही हटा दिया, मतलब फॉग लैम्प लग ही नहीं सकता. तो उस केस में आप अपनी गाड़ी में बिना कोई चेंजेस करे लो लाइट की प्रॉब्लम से कैसे दूर हो सकते हो, हम आपको सिंपली ऐसे एक सोल्यूशन दिखाने वाले हैं जो प्लग एंड प्ले आपकी कार के अंदर लगेंगे. प्लग एंड प्ले से मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको पुराना बल्ब को हटा देना है, नए बल्ब को लगा देना है, एंड देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी वायरिंग प्रोसेस आपकी कार के अंदर. कोई भी आपकी कार के अंदर वायरिंग से रिलेटेड कोई भी काम होने नहीं वाला है. जैसे हम घर के अंदर अपने चार्जर को लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे हम इन एलईडी बल्ब को आपकी कार के अंदर लगाएंगे और लो लाइट की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे. ये एक प्रॉब्लम तो हम फेस कर रहे हैं. दूसरी क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मिस गाइडेंस की. आप देखोगे कहीं भी आप एलईडी बड़ी कॉमन है, मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. 300 वॉट, 350 वॉट, 250 वॉट, ऐसी ऐसी वॉट्स आ रहे हैं कि मैं ऊपर चला जाऊं. बट मेरे ओपिनियन से अगर आप चलोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है. आपकी कार कोई भी है, उसके अंदर वायरिंग लगी हुई है, होल्डर लगा हुआ है. मैंने प्लग एंड प्ले वर्ड का यूज इसीलिए किया था कि मैं आपको इस बात से रिलेट करा पाऊं. हम आपकी कार के अंदर सिर्फ उतना ही बल्ब लगा सकते हैं प्लग एंड प्ले के अंदर जितनी आपकी गाड़ी की वायरिंग उसको सपोर्ट करती है. दूसरा, 250, 300, 350 वॉट के कोई बल्ब होते ही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स के ऊपर जितनी भी वोल्टेज लिखी होती है वो डिवाइडेड बाय 2 होती है, दैट मींस वो दोनों बल्ब को मिला के पावर होती है. तीसरा, वो फेक पावर लिखी गई होती है. आपकी कोई भी कार होए उसके अंदर मैक्सिमम 55 वॉट का बल्ब लगकर हैलोजन आया होता है. इसका मतलब दोनों हो गए 110 वॉट के. बट हैलोजन की पावर हमेशा वीक होती है, एलईडी की पावर हमेशा ज्यादा होती है. ये हमारे को एक नेचुरल सी चीज है जो हमें सबको पता है. तो मैं आपको ऐसे दो प्रोडक्ट्स के बारे में आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको जो बने ही इन्हीं चीजों के लिए. मतलब ये जो दो कंपनियां हैं ये सोल्यूशन ही इन्हीं चीजों का है. मैं कोई सब ब्रांड्स या फिर कोई सेकेंडरी आइटम्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात करने वाला हूं एक्सेलाइट और अजूम के बारे में. बहुत रीनोन्ड है, बहुत रिलायबल है और दोनों ही 2-2 साल की वारंटी के साथ आते हैं. एक्सेलाइट वो है जो हुंडई और किया के अंदर अपने बल्ब्स को सप्लाई करते हैं, दे आर द ओईएम सप्लायर्स ऑफ हुंडई एंड किया बल्ब्स. अजूम इज अ जर्मन ब्रांड, हर एक बंदा जानता है इसके बारे में. हम दोनों ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं बिकॉज मैं कोई ये एड, मतलब ये वीडियो ऐसे कोई किसी एक चीज के बारे में नहीं बना रहा हूं. मैं बना रहा हूं अपने व्यूअर्स के लिए जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनको सोल्यूशन चाहिए लो लाइट का. हम अपनी शॉप पे डेली जो हम सेल करते हैं ये दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं. हमने कोई भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया हुआ है. हाँ ठीक है, सबको अपने बजट के हिसाब से चीज चाहिए, हम वो दे देते हैं जो उनके बजट में सबसे अच्छा होगा. बाकी बेस्ट अगर आप हमसे पूछोगे दैट इज एक्सेलाइट एंड अजूम, दोनों ही बहुत बढ़िया चीज है. यहां पर हम अभी एक अजूम का बॉक्स खोल के दिखा रहे हैं आपको. अच्छा, इसके अंदर भी दो वैरायटीज आती हैं, जैसे एक्सेलाइट में 110 वॉट्स भी आता है, अजूम में 130 वॉट्स भी आता है. बट हम बात करने वाले बेस्ट की, इसलिए हम लोग इसके हायर एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे. एक्सेलाइट का 180 वॉट का बल्ब दिखाएंगे हम आपको, अजूम का हम आपको 150 वॉट का बल्ब दिखाएंगे. ट्रस्ट मी, ये 150 वॉट ऐसा है कि किसी आप बोली गई 300 वॉट की एलईडी के साथ दूसरी कार को खड़ा कर लेना, इसका फोकस इसकी लाइट से आप उसको मैच करोगे तो आपको अपने आप सब चीज पता चल जाएगी. 2 ईयर्स की वारंटी होती है, इसका वारंटी कार्ड आपको साथ में मिलता है. यहां पर मैं आपको जो एलईडी दिखाने वाला हूं अजूम की, दिस इज अ नेक्स्ट लेवल. ये बेसिकली इसका एक ब्लास्टर होता है. अभी ब्लास्टर का क्या मतलब होता है कि वो पावर जनरेट करेगा इस बल्ब को देने के लिए, सो दैट ये पावरफुली चल सके आगे. इसके अंदर हमारी ये यहां पर ये कूलिंग कॉइल्स होती हैं. ये बेसिकली डबल जिस भी बल्ब के अंदर होगी ना वो बल्ब आपका अच्छा होएगा. कईयों में सिंगल होती है तो वहां से पता चल जाता है कि ये कॉस्ट कटिंग वाली बेसिक आइटम है. प्लस ये प्लग एंड प्ले होती है. अब प्लग एंड प्ले कैसे, इसके अंदर अलग अलग नंबर आते हैं. आपकी कार में अगर प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो उसमें कई अलग बल्ब लगेंगे, नॉन प्रोजेक्टर वाली कार है तो उसके अंदर अलग बल्ब लगेंगे और उसके हिसाब का ये होल्डर होता है. आपको कुछ नहीं करना है, पुराने बल्ब को होल्डर में से निकालना है, नए बल्ब को ऐसे करके होल्डर में लगा देना है और इस बल्ब को अपनी जगह टाइट कर देना है. दूसरा, इस ब्लास्टर को टाई बेल्ट से बांध दो. ये मैंने प्रोसीजर इसलिए समझाया कि अगर आप हमसे कहीं मंगाते भी हो इस चीज को तो भी आपको इजीली इंस्टॉलेशन का तरीका पता चल सके. नहीं तो हम लोग हैं दिल्ली में, हम आपको इंस्टॉलेशन करा कर देंगे आपको किधर भी वो करानी हो. सेकेंड, हम बात करते हैं एक्सेलाइट के बारे में. एक्सेलाइट का बल्ब भी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगा और वो किस तरीके का होता है ये भी आपको दिखाऊंगा. फिर एंड में
एक एमआरपी का आइडिया दे दूंगा कि वो किस एमआरपी का प्रोडक्ट है, डिस्काउंटेड प्राइस जिसके लिए आप हमारे को कॉल करना, बिकॉज हमें कंपनी अलाउ नहीं करती है कि हम ओपनली प्राइसेस डिस्काउंट वाला बोल सके। हमारे और आपके बीच का कनेक्शन अलग होता है, हमने आपको लीस्ट प्राइसेस पर ही चीज देनी है और वो मिल सके आपको, इसलिए हम लोग एक एमआरपी का आइडिया देते हैं। ये हमारा एक्सेलाइट का है, सेम चीज यहां पर हमारी यहां पर है, ये हमारा ब्लास्टर एक होता है, प्लस हमारा इसके अंदर भी आपको दोनों तरफ ही कूलिंग कॉइल मिल पाएगी जिसकी मैं आपसे यहां पर बात कर रहा था। ये भी जस्ट उसी तरीके से प्लग एंड प्ले हो जाएगा जिस तरीके से बना हुआ है, इसका होल्डर अलग है बिकॉज ये नंबर ही अलग है, आपको लगा देना है पुराना बल्ब हटाकर और सीधा अपनी कार में लगा देना है। अभी हम बात कर लेते हैं इन दोनों की कॉस्टिंग की। जो एक्सेलाइट है हमारा यहाँ पर आपको नजर आएगा, दैट इज जो इसकी एमआरपी है, दिस इज पैक्ड ऑन 10th मंथ 2023 करंट ईयर, 14,800 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इसका कॉस्ट है, बट इस पे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट के लिए आप हमारे को कॉल कीजिएगा। अजूम की अगर हम बात कर लेते हैं तो अजूम कम्स विद 12,990 रुपीज, मतलब 12,990 रुपए का इसका कॉस्टिंग है, इस पे भी डिस्काउंट आपको मिलेगा, डिस्काउंट के लिए आप हमारे को व्हाट्सएप कीजिएगा। इजीली इंस्टॉलेशन हो जाती है, दोनों में 2 साल की वारंटी मिल जाती है, दोनों रिलायबल प्रोडक्ट है, दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है। ये मेरा दिल था कि आज मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूं और आपकी कार के लिए आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे आपको मैं बाहर निकाल सकूं। ये प्रोडक्ट कैसे लगे होंगे, वीडियो कैसी लगी होगी, या और किस चीज के लिए हम वीडियो बनाएं वो भी आप हमारे को जरूर बताओ, सो दैट हम आपको लिए आपके पास इस वीडियो के थ्रू उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ सकें। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।